हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी मेकअप लुक। एज यू कैन सी, ये पार्टी मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँ वो भी आप करें। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, तो इसको मैं अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए अच्छे से अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का लिक्विड हाइलाइटर, और इसको मैं अपने हाई पॉइंट्स पे पहले लगाऊंगी इसी के ड्रॉपर से, देन अपने फिंगर्स के जरिए या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ मैबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन, और ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है जो कि पार्टी वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये कोई भी पैचीनेस ना रहे। आपका बेस अच्छा होगा मेकअप का, तो आपका पूरा का पूरा मेकअप भी अच्छा हो जाएगा खुद से। तो ब्लेंडिंग अच्छे से करिएगा, मतलब जो फाउंडेशन आप लगा रहे हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करिएगा पूरे फेस पे। एंड नेक और ईयर्स को तो मत भूलिएगा, बिकॉज आपका नेक और फेस अगर अलग लगेगा तो बहुत गंदा लगता है। देन उसके बाद मेकअप रेवोल्यूशन का मैं कंसीलर ले रही हूँ, अपने आईज़ पे डॉट डॉट करके बहुत थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, बिकॉज हमको कोई भी केकी या पैची लुक नहीं चाहिए। और इस पूरे कंसीलर को जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मेरे हाई पॉइंट्स पे, वहाँ वहाँ पे अप्लाई करते हुए अच्छे से ब्लेंड करना है इसको। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो ब्यूटी ब्लेंडर होना वो बिल्कुल वेट होना चाहिए, मतलब कि डैम्प होना चाहिए, पानी में अच्छे से आपने निचोड़ लिया हो देन आप यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ को ब्लेंड कर देता है। एज यू कैन सी, मेरा बेस बिल्कुल भी पैची केकी नहीं लग रहा। अब मैं अपने बेस को सेट करने के लिए, बिकॉज इस टाइम पे काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो अपने बेस को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैवलिन का लूज पाउडर। और इसका जो भी सेड होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैंने अच्छे से यूज अप्लाई करने के बाद इसको मैं डस्ट आउट कर लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसे निकाल लूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पैलेट जो कि है मॉर्फी का ड्यूक पैलेट है ये, उससे मैं एक क्रीज सेड लूँगी जो उसे अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और जब तक मुझे मेरा डिज़ायर सेड नहीं मिल जाता तब तक मैं इसे ब्लेंड करती रहूँगी, अप्लाई करती रहूँगी। देन सेम पैलेट से ही मैं एक डार्कर शेड लूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से, और उसे अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। हमको इसे आउटर कॉर्नर से लेकर के मिडल लिट तक लेकर जाना है, क्रीज तक लेकर जाना है। और जो मैंने डार्क शेड लिया उसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। इससे हमको एक ब्लेंडेबल शेड मिल जाएगा हमारी आईज़ पे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ग्रे कलर का सेट जो कि मेरी ड्रेस से मैचिंग कर रहा है। आप कोई सा भी सेट अप्लाई कर सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आई मेकअप की होती है ब्लेंडिंग, तो आप ब्लेंडिंग अच्छे से करिएगा, प्रॉपरली करिएगा। और जो मैं ग्रे कलर का सेट अप्लाई कर रही हूँ वो एक मैं फ्लैट ड्रेस की हेल्प से यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, और ये काजल कॉपर सेट में है, और इस आई लुक में कॉपर कलर का जो काजल है ना वो बहुत ही अच्छा जा रहा था। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे कॉपर यूज़ किया है, कॉपर सेट का काजल। और जो मैंने डार्क सेट दिया था ना, मैं उससे आउटर कॉर्नर में एक वी बनाते हुए अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। देन मैं आईलाइनर लगा रही हूँ जो कि है फेसेस कनेडा का मैग्नेट आईलाइनर, और इससे मैं विंग बनाऊँगी, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पतला आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है।
लैसेस पे मस्कारा यूज़ कर रही हो। मस्कारा मेरा ब्लू कलर का है क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग का लुक चाहिए था अपने आई लुक में, मैंने ब्लू कलर का मस्कारा यूज़ किया है। अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक भी कर सकते हैं, बट ब्लू बहुत ही अच्छा जा रहा था इस लुक में, अभी आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाएगा। और आपने पहले जो फ़ोटोज़ भी देखी है ना उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ब्लू कलर कितना सही जाता है। अब मैं अपनी ब्रोज़ को फिल कर लूँगी एलेगल के पैलेट से, ब्रोज़ पैलेट से, और उसे एंगुलर ब्रश की ब्रश की हेल्प से अच्छे से फिल करना है। और आप चाहें तो थिक कर सकते हैं अपनी ब्रोज़ को, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही थिन रखे हैं बिकॉज मुझे थिक ब्रोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस वजह से। एंड उसके बाद मैं कॉम कर लूँगी अपनी ब्रोज़ को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर जो कि है फिजीसन फॉर्मूला का, और इससे मैं पिंक कलर का हाइलाइटर लेकर के, क्योंकि ये ब्रिक हाइलाइटर है इसमें आपको हर एक शेड मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर का हाइलाइटर शेड लेकर के अपने ब्रो चीक बोन पे, नोज़ ऑफ द ब्रिज पे, अब मतलब अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करना है हाइलाइटर। एंड अगर आप चाहें तो अपनी नेक के जो कॉलर बोन होते हैं ना वहाँ पे भी आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देन मैं एक क्रियोन यूज़ कर रही हूँ जो कि है लैक्मे का, ये पिंक कलर का है और कोरल सेड है, बहुत ही सही जा रहा है इस लुक में क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा सटल लुक दे रहा है आपको। तो आप अपने लिप्स को अगर चाहें तो थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, इस वजह से मैंने ये लिप्स क्रियोन यूज़ किया। आप चाहें तो कोई भी लिप क्रियोन या फिर लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। देन वेट एंड वाइल्ड का मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लेना है बिकॉज इतनी मेहनत करने के बाद अगर मेकअप एक दो घंटे में निकल जाए तो क्या ही फ़ायदा, इस वजह से मैंने सेट कर लिया अपना मेकअप को। देन अब मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो अपने ओपन हेयर्स कर सकते हैं, पोनी बना सकते हैं, सब आपके ऊपर है, आप जैसा ही लुक चाहते हैं अपने ऊपर। अगर मेकअप पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।